पहले तो मैं आप सभी लोगों से बहुत स्नेह करता हूं, प्रेम करता हूं, आप सभी लोगों को बहुत मानता हूं। तो कोई कड़वी बात अगर आज मैं बोलूं तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जीवन हमेशा मीठी बातों से नहीं चलता। यदि हम सोच बदलें तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। हम बहुत नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक रह सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। अमूमन जब मैं आपसे रूबरू होता हूं तो पढ़ाई लिखाई की किसी सामग्री के साथ ही रूबरू होता हूं, ऐसे में बात करने के लिए कभी आपसे रूबरू नहीं होता, क्योंकि मैं कार्य करने में बहुत विश्वास रखता हूं और मैं उसी तरह से अपनी उपस्थिति आपके समक्ष दर्ज कराता हूं। लेकिन आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए रूबरू हुआ हूं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए अंत तक मेरी बात को पूरी सुनिएगा। शायद आज आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाए जो आप एक संस्थान से चाहते हैं, आप एक मेंटर से चाहते हैं और एक संस्थान के कर्मचारियों से चाहते हैं। क्योंकि हम एक शैक्षणिक संस्था है इसलिए अध्ययन और अध्यापन का कार्य अनवरत रूप से चलता रहता है। आप सभी लोग भी इसी कार्य के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन संस्थान इसके अतिरिक्त अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पूरी तरीके से निर्वहन करता है। चाहे वो इलाहाबाद में कभी बाढ़ की स्थिति रही हो, या यह आपकी महामारी की स्थिति रही हो, या कभी भी लोगों ने संस्थान से संपर्क किया हो, जो संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, संस्थान पूरी जिम्मेदारी के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है। आपने देखा जब लॉकडाउन का समय था, सभी संस्थान लगभग बंद चल रहे थे, निरंतर संस्थान ने आपके लिए अध्ययन सामग्री प्रोवाइड की। कोई महीना ऐसा नहीं हुआ जिस महीने में संस्थान ने आपको करंट अफेयर्स के 4 रटलो नहीं दिए हो, या 20 वीडियो आप लोगों को वीडियो क्लासेज के रूप में ना दिए हो जो अलग अलग परीक्षाओं से संबंधित हो। इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब आपके प्रदेश में या देश में कोई भी परीक्षा होती है, संस्थान की तरफ से पूरी जिम्मेदारी से प्रत्येक परीक्षा के लिए कम से कम 30 वीडियो क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं उन सभी सदस्यों के लिए जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये संस्थान की जिम्मेदारी है। आपको पाठ्यक्रम बताया जाता है, आपको किताबें बताई जाती है, योजना बताई जाती है, संस्थान की तरफ से करंट अफेयर्स की अनवरत कक्षाएं आपके लिए हमेशा चलती ही रहती है। जब कोई परीक्षा होती है तो हम रात के 1-1, 2-2 बजे तक जग के आपको क्या कराते हैं, मैराथन लाइव रिविजन कराते हैं। उस समय आपका स्नेह प्रेम मिलता है। क्या यह किसी एक फैकल्टी से संभव है? नहीं, संस्थान नहीं, टारगेट विद आलोक 40 लोगों का परिवार है, जिसमें सबसे छोटे व्यक्ति से लेके आलोक सर तक प्रत्येक कड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को श्रृंखला से निकाला नहीं जा सकता। हम दिन रात मेहनत करते हैं तब इस गुणवत्तापूर्ण सामग्री को आप तक पहुंचाते हैं। जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो हमारे बैच के सदस्य रहे हैं, वो हमारे लिए कभी नहीं लिख सकते, वो हमारे लिए हमेशा सम्मान लिखेंगे, प्रेम ही लिखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब हम बैच में होते हैं तो हम कितनी जिंदादिली से और कितनी मेहनत से उनके लिए कार्य करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इस समय रात है कि दिन है, यहां तक कि हमारे संस्थान के सदस्यों को जब जरूरत होती है, देखने वाले हैं सुपरटेट के लोग, हम एक दिन में 18-18 वीडियो देते हैं। जब हम कोई बैच अनाउंस करते हैं तो उस बैच में जब हम कोई सामग्री लिखते हैं, जैसे हमने लिखा पीडीएफ नोट्स, 5 क्लासेस डेली, हैंड रिटन नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स हम आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको लिखते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स को बनाने में टीचर को पढ़ाने के अलावा रात रात भर जागना पड़ता है। वो टीचर किसी स्वार्थ से हम लोगों के लिए जुड़ा है जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, वो रात भर जागता है, अपना कार्य करता है। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, हमने टेट वाले बैच में कहा था कि हम 40 प्रैक्टिस सेट देंगे, हमने उन्हें 79 प्रैक्टिस सेट दिए, और आपको जान के आश्चर्य होगा टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट ने 50 में से 7 टॉपर यूपी टेट में दिए हैं, जिनकी मार्कशीटें हम लोगों के पास है, हम लोगों ने एक वीडियो में उनको डिस्प्ले भी किया था। तो टॉपर्स हम ऐसे नहीं देते हैं, हम पूरे हक से कार्य करते हैं। हमने लेखपाल का बैच अनाउंस किया, हमने कहा कि हमारे यहां प्रवेश प्रक्रिया जारी है, आप इस नंबर पर हमें एंट्री लेखपाल लिख के व्हाट्सएप करिए 2 दिन पहले। जैसे ही आपने एंट्री लेखपाल लिख के व्हाट्सएप किया, अब हमारा कार्य शुरू हो गया। हम इसी समय इस जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को लेके हम इस कार्य में जुट गए, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे संस्थान से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे बैच के लोग जुड़े हुए हैं, उनके जो विश्वस्त लोग हैं, उन्होंने जिनको रिकमेंडेशन की, उन लोगों ने हजारों की संख्या में एडमिशन ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा लेते हैं, वो संस्थान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज पर विचार किया है कि जब हम ये बैच शुरू करते हैं, हम यहां पर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, तो हम किन की दम पे बोलते हैं? इन 40 लोगों की दम पे बोलते हैं, इन 40 लोगों के भी तो अपने परिवार हैं। आप बताइए, एक बैच में आपको 10 सदस्य पढ़ाते हैं जो टीचर होते हैं, उन टीचर्स के अलावा 6 टाइपिस्ट की टीम होती है, यहां पर जो लोग रहते हैं, किराया है, नेट है, बिल्डिंग है, 3 लाख रुपए प्रति महीने महीने बिल्डिंग का किराया हमारा यहां पे होता है जहां पे हम अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। इसके अलावा वेबसाइट का खर्चा
प्रत्येक व्यक्ति का अगर 3 महीने का कोर्स है वेबसाइट पर तो 500 रुपया उस व्यक्ति का खर्चा होता है। और लगभग लगभग जब हम 40 लोगों की सैलरी को देखते हैं तो 15 से 16 लाख रुपया प्रत्येक माह हमको यहां पर खर्च करना होता है, तब हम इस स्थिति में आते हैं कि हम कोई भी सामग्री आप तक पहुंचा सके, क्योंकि ढेर सारे लोगों की हमसे उम्मीद है तो हमें भी ढेर सारा कार्य करना होता है। पिछले 3-4 दिनों से मैं इतना दुखी हो गया, आप लोगों ने फीस के लिए मैसेजेस किए, कभी भी आप जानते हैं कभी भी आप लोगों की तरफ से कभी कोई परेशानी की बात की गई होगी तो संस्थान की तरफ से कोई व्यक्ति खाली नहीं गया होगा, लेकिन आपको जब नंबर दिए जाते हैं तो आप नंबरों पर कॉल नहीं करते, पब्लिकली लिखते हैं। लोग यहां तक लिखते हैं कि उस संस्थान में तो फ्री पढ़ाया जा रहा है। मेरा आप सभी लोगों से एक प्रश्न है, एक बात बताइए, अगर उस संस्थान में फ्री पढ़ाया जा रहा है तो ये बात आपको यहां पर लिखने की क्या जरूरत है? आप इतने क्लियर हैं कि उस संस्थान में फ्री पढ़ाया जा रहा है, आप वहां पे देख रहे हैं और ये बात आप यहां पे हम लोगों को आके बता रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स को बता रहे हैं कि उस संस्थान में फ्री पढ़ाया जा रहा है। क्या इस समय में बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है? स्वार्थ इन द सेंस, अगर उसका जीविकोपार्जन का साधन ना हो तो क्या कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है? फ्री में कभी किसी ने क्या पूरा पढ़ाया है? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फ्री में आपको कभी किसी ने दी है? बताइए आप, वो फ्री पढ़ाएगा, 10 दिन पढ़ाएगा, व्हाइट बोर्ड टांगे, 10 दिन के बाद भाग जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं। जो 40 लोग जुड़े हैं, जो 10 लोग आपको यहां पे पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, उनके भी परिवार हैं, वो अपना कीमती समय लेके यहां पर आते हैं, है ना। हमारी टेक्निकल टीम के सदस्य बनारस से यहां पर आते हैं, हमारे मैनेजर सर बनारस से यहां पर आते हैं, तो क्या उनका परिवार नहीं है? आप बताइए, अगर 1000 एडमिशन हुए और हमने 1000 फीस रख दी, आप बताइए क्या 10 लाख रुपए में मैं 1 महीने, 3 महीने मुझे आपको पढ़ाना है, क्या मैं 1 माह का वेबसाइट का भी खर्चा निकाल सकता हूं? आप लोग यहां बता रहे हैं फ्री है, अरे फ्री है तो आप वहां पढ़िए। हमारे भी सब्सक्राइबर से जानते हैं कि आप कौन लोग हैं जो यहां पे लिखते हैं फ्री है। मैं मानता हूं जिनके पास, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको जरूरत हो सकती है। टारगेट बताओ, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमेशा उनके साथ था, है और जीवन पर्यंत रहेगा, क्योंकि जो भी नीडी है वो कभी भी यहां से खाली नहीं गया। हम उसको सर्व करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं और हम उसको उस तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन जो सभी लोग प्रोपोगेंडा वाले हैं, जो प्रायोजित चीजें करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी ढूंढते हैं, जानते हैं, और आपके कमेंट्स का ऐसा कोई भी प्रभाव हमारे सब्सक्राइबर्स पर नहीं पड़ता, निरंतर बढ़ रहे हैं और जितने एडमिशन होते हैं वो एडमिशन लेते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो एडमिशन वाला वीडियो है वो 2,10,000 चल चुका है। इसका मतलब 2,10,000 लोगों ने देखा है। ये हमारा घमंड नहीं, ये हमारा अभिमान नहीं है, ये जो 2,10,000 लोगों का प्रेम हमें मिला है, संस्थान को मिला है, हमारी विश्वसनीयता के आधार पर हम उस चीज पर बात कर रहे हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आप हमारे चैनल का नाम अन्य चैनलों पर जाके भी रोशन कर रहे हैं कि टारगेट बता लोग ये, टारगेट बता लोग वो, आलोक सर ये, रवि सर ये, कुछ नहीं, हम बढ़ रहे हैं। वहां पर आपको लिखने की जरूरत पड़ गई, इसका मतलब कि हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम जीवन पर्यंत अच्छा कार्य करते रहेंगे। आलोक सर का चयन मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पे हुआ था। उन्होंने 45,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ दी, उन्होंने सोचा एक और अच्छा कार्य करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, और लगातार वो इस कार्य में लगे हुए हैं। तो अब आप बताइए, अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, इससे वो कुछ अच्छा पैसा कमा रहे, तो क्या इसमें कोई बुराई है? मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम करता था, मानवाधिकार आयोग में मेरा चयन हुआ था, मैंने छोड़ दिया, मुझे यह माध्यम ज्यादा अच्छा लगा, यह प्रसार का माध्यम, शिक्षा का माध्यम ज्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम छोड़ के, इंजीनियर संदीप तिवारी, वो इंजीनियर है, उन्होंने जॉब नहीं की, उन्होंने प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो आपको पढ़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेट हैं, जेआरएफ हैं, लेकिन वो डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां आके आपको पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है यही तो उनके जीविकोपार्जन का साधन होगा, यहीं से तो वो अपनी जीविका कमाएंगे, यहीं से तो वो अपना परिवार कमाएंगे। तो उनके बारे में आप ऐसे कमेंट्स क्यों लिखते हैं? आपको लगता है आलोचना से मैं डरता हूं? मैं आलोचना से कतई नहीं डरता हूं, आप आलोचना करिए, मैं आलोचना को स्वीकार करता हूं, लेकिन आज तक कोई भी आलोचना ऐसी नहीं आई कि किसी बैच में कोई गड़बड़ी हुई हो।
किसी ने यह नहीं लिखा कि इस बैच में अच्छा नहीं पढ़ाया गया। सर वहां तो 399 में चल रहा है, आप फीस कम कर दीजिए। वहां तो फ्री चल रहा है, आप फीस कम कर दीजिए। अरे तो वहां फ्री चल रहा है तो आपको यहां पढ़ने की क्या जरूरत है, आप फ्री ही पढ़ लीजिए। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं, वो हमसे पढ़ रहे हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, वो हम पर विश्वास करते हैं और लगातार हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम एक जबरदस्त बैच बना चुके हैं। लेकिन मैंने कहा, प्रारंभ में ही कहा, किसी भी कड़वी बात को अगर आप अपना मानते हो तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमेशा मीठी बातें नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं, यहां पे भी आपको कभी कभी मेरा समर्थन करना होगा, मेरी सहमति के साथ सहमति मिलानी होगी। मैं हमेशा आपके ही साथ सहमत नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके कहने पर जैसे आपने कहा वैसा मैंने किया। जो भी बैच के सदस्य हैं, जो पुराने पड़े हुए हैं, उन लोगों को मालूम है कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, वो यहां पर हमारी बातों का समर्थन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट में लिख सकते हैं कि वास्तव में हमने कितनी मेहनत की। और फिर नकारात्मकता ढूंढने के लिए तो आप नकारात्मकता कभी भी ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, सुपर टेट का जब पेपर था तो मैंने रट लो कराए 7, 6, 7 और 5, इन 3 रटलों में से 32 क्वेश्चन करंट के मिल गए, टोटल 33 क्वेश्चन थे। तो अब देखिए 33 में से जब 32 मिल गए तो उसमें लोगों ने यह नहीं कहा कि सर ने मेहनत की, हमारे लोगों ने तो ये कहा सर ने मेहनत की, लेकिन और लोगों ने मालूम क्या कहा, रवि सर ने तो पेपर आउट करा दिया था पीएनपी से। मतलब आपने वो 99% की सकारात्मकता नहीं देखी, वो 1% की नकारात्मकता देख के आप चले गए कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी, कितना एनालाइज किया होगा पेपर को, किसने 33 क्वेश्चन हूबहू वहां पर कर दिए। लोअर पीसीएस में पूरे क्वेश्चन मिले नोट से, क्यों, जब टीचर हैंड रिटन नोट्स बनाएगा तो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जब हम इतनी मेहनत आपके साथ करते हैं, इतनी मेहनत आपके साथ करते हैं, तो हमें पूरा हक है कि हां हम लेखपाल का बैच, यूपीएसआई का बैच या जो भी वैकेंसी आने वाली है हम उसका बैच अनाउंस करें। मैंने फिर कहा हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का हमेशा पालन करते रहे हैं, करेंगे, करते हैं और जीवन पर्यंत करेंगे। जहां पर भी निडी व्यक्ति को हमारी जरूरत होगी हम उस निडी व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे, हम किसी न किसी माध्यम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आप लोग भी अगर हम ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करते हैं, आपको ये लगता है, तो आपको भी नीचे कमेंट बॉक्स में हमारा साथ देना होगा, क्योंकि उन लोगों को जवाब मैं केवल अकेले नहीं दे सकता जिन लोगों को जवाब की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं 18 महीने से आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से संस्थान, 3 साल से आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है, तो कभी कभी आपको भी संस्थान के सपोर्ट में उसी स्नेह प्रेम और विश्वास के साथ और मजबूत कमेंटों के साथ खड़ा होना चाहिए, कमेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं आप लोग डेली डेली क्यों नहीं लिखते, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें मानते हैं, क्योंकि डेली डेली लिख के आप अपनी एनर्जी जाया नहीं करना चाहते, आप उनको इग्नोर करते हैं, हम लोग भी इग्नोर करते हैं। आलोचनाओं से कभी ना तो मैं डरा हूं ना मेरा संस्थान डरा है, आलोचनाएं हमेशा स्वीकार है, लेकिन आलोचना की दिशा बिल्कुल सही होनी चाहिए। वाजिब चीजें आप लिखिए, आप गलत चीजें नहीं लिखिए। 1000 फीस में पढ़ा नहीं सकता कोई आपको, क्योंकि 1000 फीस में 16 लाख रुपए महीना, 15 से 16 लाख रुपए महीना जो संस्थान का खर्चा है उनको पूरा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की अपना इच्छा होता है, अपना एक मन होता है, उसी इच्छा और मन के आधार पर वो मेहनत करता है। हम लोग भी यहां पर 40 लोगों का एक परिवार लेके इच्छा और मन के आधार पर मेहनत कर रहे हैं। अगर हम एक भी महीने की सैलरी नहीं देंगे तो आप बताइए क्या ये लोग हमारे साथ काम करेंगे? नहीं, ये लोग दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर उनको उतना वेतनमान मिल जाएगा जो उनकी योग्यता के अनुसार है। आपको दिल्ली इलाहाबाद के बेस्ट टीचर भी चाहिए, आपको डेली बहुत शानदार पीडीएफ भी चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और आप 22 रुपया दे नहीं सकते। जब आप फीस देते हैं 18% जीएसटी चला जाता है, प्रत्येक स्टूडेंट 500 रुपया आपका वेबसाइट में चला जाता है, इसके बाद जो 1300-1400 रुपया एक स्टूडेंट का बचता है वो अगर हम लोग देखें 1000 एडमिशन के बाद, तो आप देख लीजिए कि 10 लोगों की सैलरी के बाद और 40 लोगों की सैलरी के बाद, 10 टीचर्स और बाकी लोगों की सैलरी के बाद शायद उसमें से कुछ बचे। इतना ही बचता है कि व्यक्ति आराम से सब लोग क्या है, एक परिवार की तरह रह सके।
मेन बातों पर बोलना नहीं चाहता था। आप लोगों ने संस्थान के लिए कठोर शब्दों का यूज किया, कुछ लोगों ने, शायद वो 1% भी नहीं होंगे, 2-2.5 लाख लोगों ने वीडियो देखा है, तो ऐसे लोग हमें लगता है 20-25 होंगे। लेकिन मैं उन 20-25 लोगों से कहना चाहता हूं कि आप बहुत नकारात्मक दुनिया में जी रहे हैं, आप अपनी सोच को बदलिए, आप उस सकारात्मक माहौल में आइए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम अगर कहते हैं कि हम प्रदेश का सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़िया बैच बनाने चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम केवल कह ही नहीं रहे हैं, जिन लोगों ने पढ़ा है आप उनसे पूछिए, वास्तव में हम ऐसा ही करते हैं। एक बार जब बैच बनता है तो हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे यहां इस समय लॉकडाउन में कुछ बैच बंद है, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई टीचर उस बैच में जाता है जहां पर लाइव क्लासेस चल रही है। हम कभी ऐसा नहीं करते। 8-9 महीने से यूपीएसआई का बैच हमारा चल रहा है, लगातार हम उस बैच में कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 4 बार मैं वहां पर 4 बार करंट अफेयर्स पढ़ा चुका हूं। ऐसा नहीं कि आपकी परीक्षा नहीं हो रही तो हमने आपको छोड़ दिया। बीओ वाले हैं, परीक्षा नहीं हो रही तो हमने आपको छोड़ दिया। एनटीपीसी वाले हैं, 9 महीने से 10 महीने से वो बैच है, परीक्षा नहीं हो रही तो हमने आपको छोड़ दिया। नहीं, परीक्षा तक हम आपके साथ हैं। जब परीक्षा होगी हम आपको फिर से प्रैक्टिस कराएंगे, फिर से रिवीजन कराएंगे, फिर से मैराथन क्लास कराएंगे, फिर से टेस्ट सीरीज कराएंगे, और फिर आपको एक अच्छे अभिभावक की तरह आपको परीक्षा में भेजेंगे कि अब आप जाइए, इतनी चीजें आपके लिए आवश्यक थी, यहां पर आप करके आइए। हमेशा करते हैं, कोई नई बात नहीं है, और आप लोगों का समर्थन भी हमें हमेशा मिल रहा है, और लेखपाल के बैच में भी मिल रहा है। ऐसी बात नहीं कि यहां नहीं मिलेगा। तो हम आलोचनाओं से नहीं डरते, हम सर्वश्रेष्ठ करते थे, सर्वश्रेष्ठ करते हैं, और जीवन पर्यंत सर्वश्रेष्ठ करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपकी जो सकारात्मक आलोचनाएं होंगी उनको हम आत्मसात करेंगे, हम पूरी तरह ध्यान देंगे। आप सभी मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं, लेकिन ऐसे जब मैसेज आएंगे कि सर वहां पर फ्री पढ़ाया जा रहा है और आप पैसा ले रहे हैं, ये मैसेज प्रायोजित है। इतनी बुद्धि हम भी रखते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग भी रखते हैं, तो जहां फ्री पढ़ाया जा रहा है आप वहां जाके पढ़िए, और वहां पर लिखिए कि तारगेट बतालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पैसा लेता है। तो पैसा अगर लेता है तो आपकी कसौटियों पर खड़े उतरते हैं, हम टॉपर्स देते हैं, हम मेरिट लिस्ट होल्डर देते हैं, हम 24 के 24 घंटे आपके साथ मेहनत करते हैं, रात के 11 बजे भी आपके पास पीडीएफ पहुंचती है। तो ये हमारा हक है, ये हमारा हक है कि जब कोई वैकेंसी आए, अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमें हक है प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने का, हमें हक है एडमिशन लेने का, क्योंकि हम वादा करते हैं, हम दावा करते हैं कि हमें करते हैं और हम करेंगे। तो लेखपाल, फिर मैं पूरे कर्तव्य से कह रहा हूं, लेखपाल की प्रवेश प्रक्रिया चालू है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एंट्री लेखपाल लिख के भेजिए। ये हमारे बैच का पैकेज है। 5 मई से हम आपकी कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, और डंके की चोट पर कह रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दूंगा और सर्वश्रेष्ठ बैच बनाऊंगा। लेखपाल के बैच का एक भी सदस्य बैच के बाद अगर ये लिख देगा, मैं वादा करता हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कि सर मेहनत नहीं की। या इससे पहले का कोई व्यक्ति या कोई सदस्य रहा होगा, वो कभी भी हम लोगों के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करेगा, वो केवल सम्मान और सहानुभूति प्रकट करेगा, क्योंकि हमने एक अच्छे अभिभावक की तरह, अच्छे टीचर की तरह, अच्छे गार्जियन की तरह आप लोगों को सर्व किया है। आप पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा भरोसा अपने मेंटर पर करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से बैच में कहता हूं, मैं आप लोगों के बड़े भाई की तरह हूं। यदि किसी को मेरी बातें कड़वी लगी हो तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ सहमति प्रकट नहीं कर सकता। कभी कभी मैं आपके साथ असहमत भी हो सकता हूं, और जितना आपको सहमति का मेरी सम्मान करना चाहिए उतना आपको मेरी असहमति का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो इधर उधर देख के समय जाया कर रहे हैं, जो नकारात्मकता के दौर से गुजर रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है, आइए सकारात्मकता से जुड़िए। क्योंकि इससे पहले भी आप जीवन में फ्री पढ़ने गए थे, 399 499 का पढ़ने गए थे, कुछ नहीं हुआ। टॉपर्स इसी इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, रिजल्ट इसी इंस्टीट्यूट ने दिया है, और आगे भी यही इंस्टीट्यूट टॉपर देगा और रिजल्ट देगा, मेरा आपसे वादा रहा। अनंत शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी ये बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपका समर्थन मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।